बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो जी एनटीएस के रिलेटेड है, यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीएस के इंग्लिश के एमसीक्यूज़। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि साल 2023 के एनटीएस के मुख्तलिफ पेपरों में आए हैं। अगर आप लोग एनटीएस के किसी भी किस्म के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग की अच्छी सी तैयारी हो सके, क्योंकि एनटीएस के हर पेपर में इंग्लिश का सिलेबस लाजमी इंक्लूड होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, तो बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है हमारे पास, माई रूम इज़ इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट्स। तो डैश में क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास विद, फ्रॉम, ऑन, इन। तो इसका राइट आंसर है जी विद। माई रूम इज इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन डैश द फील्ड्स। डैश में यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ओवर, ऑन, अबव, एट। तो इसका राइट आंसर होगा जी ओवर। द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन ओवर द फील्ड्स, पूरा सेंटेंस ये बनेगा जी। अगला सवाल है जी एंटोनम ऑफ एक्सपेंड इज। एक्सपेंड का एंटोनम क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास कंजेस्ट, कंडेंस, कंक्लूड या कन्वर्ट। तो इसका राइट आंसर है जी कंडेंस। एक्सपेंड का एंटोनम है जी कंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सिनोनम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनम क्या होगा? ऑप्शन हैं डिस्ट्रॉय, सोनक या काउंसल। तो इसका राइट आंसर है जी काउंसल। एडमोनिश का सिनोनम है जी काउंसल। नेक्स्ट है जी सिनोनम ऑफ एबहोर। एबहोर का सिनोनम क्या होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास लव, प्रेफर, एडमायर, हेट। तो इसका राइट आंसर है जी हेट। एबहोर का सिनोनम है जी हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एंटोनम ऑफ आर्टिफिशियल इज। आर्टिफिशियल का एंटोनम क्या होगा? ऑप्शन हैं वाइस, क्वालिटी, एसेट या प्योरिटी। तो इसका राइट आंसर होगा जी आर्टिफिशियल का एंटोनम है जी वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए ब्लैक काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए ब्लैक काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, डैश में क्या आएगा? ऑप्शन हैं इज आर वर नन ऑफ दीज। तो और इसका राइट आंसर है जी इज। ए ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस बनेगा जी पूरा। नेक्स्ट सवाल है जी, ही इज डैश डॉक्टर। ही इज डैश डॉक्टर, डैश में क्या आएगा? ऑप्शन हैं एन, आ, द या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जी ही इज़ अ डॉक्टर। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा जी ही इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी वॉज सिटिंग डैश हर मदर। ऑप्शन हैं अलॉन्ग, विद, बिसाइड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जी इसका बिसाइड। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज परफॉर्मेंस। ऑप्शन हैं बाय, ऑन, ओवर, विद। तो इसका राइट आंसर है जी विद। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। तो तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है जी? किसी भी किस्म की टेस्ट की तैयारी के लिए, एनटीएस हो गया, पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी या आर्मी या फेडरल का कोई भी टेस्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो बेहतरीन वेबसाइट है जी ilmki.com। यहाँ से आप लोग पास पेपर्स वगैरह और बुक्स वगैरह पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार लाजमी विजिट करें, एनटीएस का बहुत सारा जो तालीमी मवाद है वहाँ पर मौजूद है। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा एनटीएस के टेस्ट किस तरह के होते हैं। तो अगला सवाल है जी हमारे पास, सिनोनम ऑफ एंजाइटी इज़। एंजाइटी का सिनोनम क्या होगा? ऑप्शन हैं वरीड, एंग्री, डिप्रेस्ड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जी वरीड। सिनोनम ऑफ एंजाइटी इज वरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनम ऑफ गार्बेज। गार्बेज का सिनोनम क्या होगा? ऑप्शन हैं थ्रैश, लेवल, स्टैंडिंग या ग्रेड। तो इसका राइट आंसर है जी ट्रैश। सिनोनम ऑफ गार्बेज इज ट्रैश। नेक्स्ट है जी, ही इज डैश होम। डैश में क्या आएगा जी? ही इज डैश होम। ऑप्शन हैं इन, एट, बाय, विद। तो इसका करेक्ट आंसर है जी एट। ही इज एट होम, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा जी ही इज एट होम। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, द शॉपकीपर सेल स्वीट्स मेड डैश प्योर मिल्क। ऑप्शन हैं डैश में क्या आएगा जी? ऑफ, बाय, फ्रॉम, विद। तो इसका राइट आंसर है जी फ्रॉम।
द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड फ्रॉम प्योर मिल्क, दुकानदार जो है ये मिठाई बेचता है जो कि खालिस दूध से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, दिस चेयर इज मेड डैश वुड, डैश में क्या आएगा जी, ऑप्शन हैं विड फ्रॉम बाय ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास, एंटोनम ऑफ एंग्विश इज, एंग्विश का एंटोनम क्या होगा, ऑप्शन हैं डिलाइट पोलाइट हेट्रेड या ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है जी एंटोनम है एंग्विश का डिलाइट, डिलाइट इज द एंटोनम ऑफ एंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ फियर, फियर का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन हैं हॉरर लाफ्टर स्माइल या जजमेंट, तो इसका राइट आंसर है जी हॉरर, सिनोनिम ऑफ फियर इज हॉरर। नेक्स्ट है जी सिनोनिम ऑफ ग्रीफ इज, ग्रीफ का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन हैं हैप्पीनेस सॉरो लव या नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है जी सॉरो, सिनोनिम ऑफ ग्रीफ इज सॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट शुड केयर डैश द विक्टम ऑफ रिसेंट फ्लड्स, द गवर्नमेंट शुड केयर डैश द विक्टम ऑफ रिसेंट फ्लड, डैश में क्या आएगा, ऑप्शन हैं टू आफ्टर फॉर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास फॉर, द गवर्नमेंट शुड केयर फॉर द विक्टम्स ऑफ रिसेंट फ्लड्स। नेक्स्ट है जी, आई एम ग्लैड डैश योर सक्सेस, ऑप्शन हैं डैश में क्या आएगा जी टू ऑफ विद फॉर, आई एम ग्लैड राइट आंसर है जी फॉर योर सक्सेस, फॉर राइट आंसर है जी, आई एम ग्लैड फॉर योर सक्सेस। और मज़ीद अच्छी तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के सवाल भी आजमी याद किया करें, और हमारे चैनल पर आरफ थे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हैं, एक बार लाजमी देख लें। और जनरल नॉलेज की तैयारी भी लाजमी करें, जनरल नॉलेज की वीडियोज़ भी हम लोग पुख्तन फोख्तन चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो उनको भी एक बार लाजमी देख लें किसी भी टेस्ट से पहले। और अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज हो गया या करंट अफेयर्स हो गए या NTS की किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आप लोगों को डाटा चाहिए, PDF में चाहिए, पास्ट पेपर्स वगैरह, तो आप लोग हमारी वेबसाइट ilmki.com से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को वक्त से मिलती रहें। और हमारी वेबसाइट ilmki.com को लाजमी विजिट करें, वहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सवाल रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करते रहते हैं, तो वेबसाइट को वक्तन फ़वक्तन लाजमी विजिट करते रहा करें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।